अंता में प्रदेश उपाध्यक्ष बनकर पहली बार अंता विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आए पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी का कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत सत्कार किया गया। माली समाज का आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सैनी ने कहा कि हमारी पार्टी 36 कौमों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर अपराध, बलात्कार, पेपर लीक सहित कई मुकदमों पर जमकर प्रहार किया। सैनी ने कार्यकर्ता से एकजुट होकर कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल सहित भाजपा के पदाधिकारी व नगर व देहात मंडल और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर सबसे पहले तो मैं सीपी जोशी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे संगठन महामंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करूँगा कि मुझे संगठन में काम करने की उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। मेरा राजस्थान में प्रयास होगा कि हम आपस में लोगों में मनमुटाव को समाप्त करें, कोऑर्डिनेशन बैठाएं और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, सिद्धांत और पंचनिष्ठाओं के आधार हम लोग प्रचार प्रसार आम जनता में जागृति करें, ये प्रयास मैं करूंगा। अभी आजकल संस्कृत में लाल डायरी ज्यादा फेमस हो रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मुझे कुछ नहीं करा, विधानसभा की घटना है। विधानसभा में पूर्व उनके मंत्री थे, पूर्व मंत्री ने इन पे आरोप लगाए हैं। अगर कांग्रेस की पार्टी के प्रवक्ता या कोई भी सरकार का नुमाइंदा इस बात का खंडन करता या इस प्रकार की मांग करता कि वो लाल डायरी जहां भी उसको सार्वजनिक करें, क्या डर था इनको? क्यों नहीं करना चाहते? इससे ऐसा लगता है कि इनकी पोल खुलने का इनको डर है। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।